जनपद रामपुर के विकास भवन सभागार में एक बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सामुदायिक एवं महिला व बाल मैत्रिक शौचालय गुणवत्तापूर्वक निर्माण व रखरखाव प्रबंधन के लिए विकास भवन सभागार में परियोजना निदेशक ग्राम्य विकास मोतीलाल ब्यास और जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह की उपस्थिति में एक दिवसीय जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में जिले की ग्रामीण पंचायतों में सामुदायिक शौचालय की स्थिति एवं स्वास्थ्य भारत मिशन ग्रामीण के उद्देश्य चरण एवं इसके संबंध में प्रदेश सरकार की पहल पर विस्तृत चर्चा की गई। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में तरल अपशिष्ट प्रबंधन व तकनीकी विकल्प के तहत विशेष रूप से अपशिष्ट स्थिरीकरण, तालाब एवं सोख्ता गड्ढा के महत्व आदि के बारे में विस्तार जानकारी प्रदान की गई। आइए आप सुनते हैं जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह क्या कह रहे हैं। और कहां पर हो रही? मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है, मैं जिला पंचायत राज अधिकारी के पद पर जनपद रामपुर में तैनात हूं। आज हमारे स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के अंतर्गत सामुदायिक शौचालय के रखरखाव संचालन गुणवत्ता के लिए एक कार्यशाला का आयोजन हमारी स्टेट टीम द्वारा कराया जा रहा है, जिसमें हमारे समस्त वीडियो पंचायत साहब, हमारे जेई साहब, खंड प्रेरक सभी लोग प्रतिभाग कर रहे हैं। और इसका मुख्य उद्देश्य है कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक शौचालयों के निर्माण कराए जा रहे हैं, उनकी ठीक प्रकार से देखरेख हो सके, उनका संचालन ठीक प्रकार से हो सके। जैसा कि आपको जानकारी दी गई है कि इसके संचालन के लिए हमारे अपर मुख्य सचिव महोदय द्वारा एक विशेष व्यवस्था की गई है कि जो हमारी ग्राम निधि की धनराशि है, 15वें वित्त आयोग का टाइट फंड है, उसमें से हमें इसमें 9000 रुपए की व्यवस्था की गई है, जो साफ सफाई करने के लिए जिसको रखा जाएगा उसके मानदेय के लिए और उसके मेंटेनेंस और साफ सफाई की सामग्री पर व्यय होने वाला जो खर्चा आएगा उसको मिला के 6000 और 3000 9000 रुपए की इसमें व्यवस्था की गई है। इस कार्यशाला में किस प्रकार से ग्रामीण क्षेत्र को हम सही मायने में जो खुले में शौच मुक्त के स्थिति को सस्टेन रख सकें, उसके बारे में चर्चा की जा रही है। आगे जो हमारे ये लोग ट्रेनिंग में आए हैं, इनको मास्टर ट्रेनर बना के इस मैसेज को हमें जन जन तक पहुंचाने का कार्य कराया जाना है। कोई समय सीमा निर्धारित? हाँ, आज पूरे दिन की है ये कार्यशाला, और इसके बाद जो यहाँ से हमारे लोग ट्रेनिंग लेकर जा रहे हैं, ब्लॉक लेवल ऑफिसर जो हमारे विलेज लेवल के कर्मचारी हैं, ये पूरा प्रशिक्षण हम उनको देंगे और उनके बाद ये गांव में जन जन तक इस स्वच्छता के मैसेज को पहुंचाया जाएगा।